थाली में भी रखती हूँ, अंदर जाके थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम मैं YouTube फैमिली, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो दिस इज़ संडे मॉर्निंग, तो थोड़ा सा फ्रेश एयर में आई थी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी से सुबह का आगाज़ हो गया, हल्की हल्की से थोड़ी थोड़ी सी सर्दी भी है। और बस रिजवान भी अपने जो है वो वॉक शॉक से आने वाले हैं, तो आज नाश्ता मैं नहीं बना रही। आज जो है वो नाश्ता लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रात ही ना सुबह जब आएंगे आप तो ना मेरे लिए पायों का सालन ले आना, साथ नान और बाकी साथ हलवा पूड़ी ले आएंगे। तो आज हम बाहर का नाश्ता करेंगे। चाय मैं अभी रखती हूँ अंदर जाके थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन अगेन। जी तो नाश्ता बस आ गया था, और जो है ना मैंने वैसे बोला था रिजवान को बोंग पाए लाने का, तो उनको वो मिला नहीं। फिर छोटे पायों का सालन मिला था, वो ले आए, और ये बहुत ही मज़े के बने हुए थे। ख़ास तौर पर इनकी जो ग्रेवी थी ना बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। ये हमारे जो है ना द नियर बाई एक बहुत अच्छी फेमस शॉप है, तो वहाँ से जो है ना ये लेकर आए थे। और हादी बाबा के लिए जो है ना हलवा पूड़ी ले आए थे, वो हलवा पूड़ी खुश होके खा लेते हैं। तो बस नाश्ता सारा जो है वो रेडीमेड था, साथ मैंने बस चाय घर पे बनाई थी। पूड़ियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट सी थी, ताज़ा नान थे साथ। अच्छा नान थोड़े से ना ठंडे हो गए थे आते आते, क्योंकि सर्दी हो गई है ना तो ठंडे जल्दी हो जाते हैं। तो सुबह की चाय का ना एक अपना ही मज़ा है। चाय मैंने धीमी आँच पे छोड़ दी थी, तो अभी जो है ना दोपहर का टाइम शुरू हो गया है। तो हादी को ना आज भूख कुछ जल्दी जो है ना लग गई थी, तो कह रहा मामा मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो फिर मैंने ना फ़िश मैरिनेट करके रात उसके लिए रख दी थी। रिजवान ना सैटरडे नाइट थी ना, तो फ़िश जो है ना पकाने वाली भी और फ्राई करने वाली दोनों ले आए थे। जो ये फ्राई के लिए मैंने जो तैयार की ना मछली, इसमें मसाला मैंने बाहर का नहीं लगाया, वो मेरे पास ख़त्म हुआ था। घर का मसाला मैंने इसको लगाया था, तो रेसिपी फिर किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और जो है ना इसको क्रम्स लगा के जो है ना मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। ये ट्रे के अंदर ना मैंने मैदा डाला हुआ है, ये ब्रेड के फ्रेश क्रम्स अभी मैंने बनाए थे। और सबसे पहले मैंने मैदा लगा के इसको ठंडे पानी में थोड़ी देर डिप किया है, फिर ऊपर से जो है ना क्रम्स की कोटिंग लगाई, और इतने ज़बरदस्त सा इसका क्रस्ट बनता है ना इस तरह से, तो क्रंची सा बहुत अच्छा जो है ना वो टेस्ट डेवलप होता है। इससे होता क्या है कि मछली जो है ना फिर बच्चे बासानी खा लेते हैं जैसे चिकन खाते हैं, तो अगर हम इसको एज़ इट इज़ मसाले के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो है ना वो इस तरह की थोड़ी चीज़ें ना अट्रैक्टिव होती हैं। और हादी ने बहुत खुश होकर जो है ना खा ली थी, तो ख़ास तौर पे मैंने उसी के लिए मंगवाई थी कि चलें ये जो है ना बोनलेस है, तो ख़ुद से फॉक के साथ पकड़ के ना बासानी खा लेता है। तो दूसरी तरफ अब ना मैं सालन ग्रेवी वाला फ़िश का बनाने लगी हूँ। अच्छा ग्रेवी के लिए जो फ़िश मैं मोस्टली लेती हूँ ना, वो मैंने जो है ना सिंगाड़ा मंगवाई है। इसका जो सालन है बहुत ही आउट क्लास बनता है। अगर आप भी फ़िश लवर हैं तो आप इसका सालन ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है, थोड़ी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, लेकिन सालन जो है ना इसका बहुत कमाल का। स्पेशली इसकी जो ग्रेवी है ना वो ऐसे बनती है जैसे पायों की ग्रेवी बनती है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीक़ेकार बहुत सिंपल सादा है। पहले तो इसकी वॉशिंग है, वॉशिंग मैंने जो है ना पहले सिरका लगा के एक दफ़ा इसे वॉश किया था, फिर मैंने इसको जो है बेसन लगा के अच्छी तरह से काफ़ी पानी धोया था ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरह से सारी जो है ना ख़त्म हो जाए। तो मसाला जैसे हंडिया का भूनते हैं सारा, टमाटर प्याज अदरक लहसुन सारा कुछ डाल के अच्छी तरह मसाले को पहले मैंने भून लिया था। अब फिश जो है ना वॉश करके रखी हुई थी, उसको मैं इसके अंदर डाल के थोड़ी देर भूनूंगी। और ये बहुत सेंसिटिव सी होती है, भूनना बड़े एहतियात और प्यार के साथ इसको, ताकि ये टूट ना जाए पीस। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैंने इसकी भुनाई अच्छे से कर ली थी, फिर जब ये भुन गई तो इसको पानी डाल के पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालना, क्योंकि ये जल्दी गल जाती है, तो ग्रेवी इतनी रखनी है कि जितनी आपको मछली के अंदर थोड़ा सा शोरबा जो है ना चाहिए। अच्छा फ़िश को मैंने दम पे रख दिया था साइड वाले चूल्हे पे, अब जो है ना मैं चावल बना रही हूँ। कल का सालन जो है ना थोड़ा सा बचा हुआ था चिकन कढ़ाई का, तो मैंने सोचा उसी को इस्तेमाल करके तो चिकन पुलाव बना लेते हैं। बीच में थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैंने फ़्लेवर के लिए ऐड कर दिया था, और इससे ना बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा जो है ना पुलाव हमारा तैयार हो गया झटपट सा, क्योंकि चिकन पहले से गला हुआ था, सारे मसाले उसके अंदर ऐड थे, बस थोड़ा सा प्याज मैंने जो है ना वो इसके अंदर ऐड किया था, बाकी सारी चीज़ें वही थी।
तो बस अब दस्तरखान पे सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। तो आज संडे था तो उससे यार मैंने कहा चलें टाइमली जो है वो खाना शाना खाते हैं जी। तो ये संडे नाइट की ही वीडियो है। यहाँ पे जो है ना हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे, कुछ वीकली ग्रॉसरी जो थी वो ख़त्म हो रही थी, चीज़ें कुछ बेकरी से लेने वाली थी बस बोली। अच्छा मैं अपने कपड़े देख रही थी, मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किए, मुझे बाहर आके अंदाज़ा हुआ कि मैं जो है ना वो अनप्रेस कपड़ों के अंदर ही आ गई थी। फिर मैं रिजवान को कह रही आपने भी नोटिस नहीं किया मैं ऐसे ही आ गई हूँ। तो बहरहाल मैंने चादर ली हुई थी, फिर मुझे थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी फील हुई। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है हम जो है ना बगैर सोचे समझे जो है वो निकल पड़ते हैं, देखते ही नहीं है कि हम किन कपड़ों में हैं। अच्छा ये नेक्स्ट डे का जो है ना व्लॉग भी साथ स्टार्ट हो गया, दिस इज़ मंडे मॉर्निंग। तो अभी स्कूल भेजना है अब्दुल हादी को, तो उसके लिए मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। तो आज जो है ना उसको मैं बना कर दूंगी टेंडर पॉप्स लंच के अंदर। पहले मैं ना के एन एन्स की लेकर आती थी, तो इस दफ़ा ना रिजवान ने मुझे कहा कि मेन्यू के ट्राई करो, तो इनके भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं लेकर आई। फिर हादिक को जो है ना जब दोपहर में वापस आया फिर मैंने उसे पूछा कि बेटा कैसे लगे, तो बहरहाल उसने तारीफ़ की कि मामा अच्छे थे। और इसके जो है ना मैंने सीख कबाब भी मेन्यू के लिए, वो भी अच्छे हैं। वैसे जो है ना मैं शुरू से ज़्यादा जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करी ना वो के एन एन्स का है, उनके बहुत अच्छे टेस्ट वाइज में बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन मुझे कबाब इसके ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन नगर्स बहुत अच्छे थे, अच्छी शेप्स बनी हुई थी, अच्छा फ्लेवर था। लंच में मैंने हादी को साथ एक कप केक रख दिया था, साथ नगर्स दे दिए और साथ पानी की बोतल। अच्छा मैंने ना इसकी शादी के लिए ना कुछ ऑर्डर कपड़े किए हुए थे, कुछ मुझे रिसीव हो गए हैं, कुछ अभी जो है ना ऑन दी वे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा मैं ज़्यादातर इसके ना मिनी माइनर से ही लेती हूँ शुरू से, क्वालिटी इनकी ना बहुत ज़बरदस्त होती है और ये कपड़े दो सीज़न आराम से चल जाते। अभी पार्सल मैंने ओपन किए अब्दुल आदि के, मैंने ना कुछ कपड़े मंगवाए थे शादी के लिए, तो अभी इसको हम ट्राई करते हैं। अब्दुल आदि को कलर तो अच्छे लगे हैं। ठीक है पहले ना मैं शादी करता हूं, तो पहले हम ये रेड वाला ट्राई करते हैं आदि को साइज पूरा आता है कि नहीं। चलो अच्छा ये बेसिकली ना डबल बना हुआ है, ऊपर ये हुडी भी है अंदर शर्ट भी है, तो अभी इसको पहन के देखते हैं। जी ये देखिए अब्दुल आदि ने पहन लिया। अब्दुल आदि कैसा लग रहा है आपको? ठीक है लेकिन ये कैसे बंद? ये बंद होगा ना? हाँ ये देखो मेरे पोले बादशाह करने दो बंद। अच्छा हम आपको फुल लुक तोला देना। अच्छा सही हो गया, बड़ा मुश्किल था। ठीक है जी ये ऐसे लगता है और ये फुल स्टाइल है। ये फुल स्टाइल है, घूम जाओ बाबू। ये अब्दुल आदि ठीक है जी। चलो जी चलो अब उतारो, दूसरा ट्राई कर, दूसरा ट्राई कर जी। गाइस तो आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होगी, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।